हरि ओम। मेरा नाम निशा बादशाह विश्वकर्मा है। मैं चकाला में रहती हूँ। मैं बापू के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गया था, मुझे बच्चा नहीं हुआ। मैं इधर उधर बहुत जगह भटकी, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, मुझे कोई भी बोलता था मैं वो डॉक्टर के पास जाती थी, पर मुझे बच्चा नहीं हुआ उससे। फिर 2 बार मेरा, अगर प्रेगनेंसी रहा भी तो 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मुझे नीता रेनके के पार्लर में जॉब मिला। वहाँ पे मैंने बापू का फ़ोटो देखा तो मुझे बापू के बारे में पता चला, जबकि मुझे बापू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे उन्होंने सब बताया बापू के अनुभव के बारे में। फिर मैं बापू की उपासना करने लगी। मैंने तो विश्वास ही खो दिया था कि मुझे कभी बच्चा भी होगा। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, घर में भी सब लोग परेशान थे। फिर मैं बापू की उपासना करने लगी। फिर बापू मेरे सपने में आए तो उन्होंने मेरे पेट में 8 महीने का बच्चा घूमते हुए दिखाया कि तेरे को वापस बच्चा होगा। तो मुझे बहुत विश्वास आ गया कि मुझे बच्चा होगा करके। फिर एक दिन ऐसे ही मैं पार्लर में बैठी थी, मेरे पार्लर की ही एक लड़की ने मुझे बोला चल हम लोग बापू के इधर दर्शन के लिए जाते हैं। तो मैं उसके साथ चली गई, जबकि मुझे बहुत लेट हो गया था। डर रही थी घर से कि मुझे डांट नहीं मिले। फिर भी मैं गई बापू के इधर। मुझे घर में कुछ भी डांट नहीं मिली, अच्छे से दर्शन हो गया। वही महीने में मैं वापस प्रेग्नेंट रह गई। फिर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा विश्वास हो गया। मैंने जब उनको बताया कि मैं लास्ट मंथ में बापू के इधर गई थी इसलिए मुझे ये प्रेगनेंसी रह गया, पर मेरे को 3 महीने में वापस ब्लीडिंग होने लगा। मैं फिर से डर गई कि ये बच्चा मेरा वापस ख़राब हो जाएगा। पर 3 महीने में बापू मेरे फिर से सपने में आए। उन्होंने मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाए। एक बच्चा उन्होंने गोद में लिया हुआ था। उन्होंने मुझे एक बार प्रसाद दिया, फिर से हाथ पीछे किया, फिर दूसरी बार प्रसाद दिया, फिर से पीछे किया, फिर तीसरी बार दिया। फिर मुझे इसका मतलब समझा कि ये मेरा 2 बार मिसकैरेज होने के बाद तीसरी बार प्रसाद इसलिए दिया कि ये मेरा बच्चा अच्छे से ही होगा और अच्छे से ही आया। मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी, पर जब मेरे पेट में ये मेरा बच्चा रह गया तब तो मुझे विश्वास हो गया। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी इन सब बातों को नहीं मानते थे, आज वो इतना विश्वास करते हैं। जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था मुझे रोज़ बोलते थे उदी लगाया क्या, खाया क्या, पेट पे लगाया क्या, और आज तक वो मुझे बोलते हैं कि उस बच्चे को लगाया क्या, खुद खाया गया, खुद भी खाते हैं, खुद को भी लगाते हैं, मुझे भी खिलाते हैं, मेरे बच्चे को भी लगाते हैं। इस वजह से मेरे को एक बेटा हो गया करके बापू की कृपा से। अभी जो मैंने आपको अनुभव बताया इसी के बारे में बताया, यही मेरा बेटा है, इसका नाम अर्श विश्वकर्मा है। हरिओम अम्बत ने।